welcome to the Kapil Sharma Show. Bumper. Good morning. Morning, Paji. Morning. Good morning. Good morning. वैसे क्या है कि यहाँ की अलार्म क्लॉक ना मैं ही हूँ और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं सिर्फ मुर्गा बनने का काम नहीं करती कभी-कभी अंडे भी दे देती हूँ वैसे आप उठ जाइए चलिए फ्रेश हो जाइए आइए फ्रेश कैसे हूँ तुम्हारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा यहाँ नहीं नहीं यहाँ पे वो जो बाथरूम समझ के आप जहाँ चले गए वो बाथरूम नहीं था वो तो मेरा कबर्ड था आप उसमें खैर कोई टेंशन नहीं है मैं आपके लिए सारा सामान लेके आई हूँ सारी तैयारी करके आई हूँ मैं ये लीजिए ये आपके लिए रेलवे लाइन पीछे है यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा जल्दी चले जाइए 15 मिनट के बाद शताब्दी एक्सप्रेस आएगी अच्छा एक मिनट आप जा ही रहे हैं ना तो जरा ये भी साथ ले जाइए ये क्यों ये क्या सलवार है हाँ इसका क्या करूंगा तू वहां बैठ के बोर होएंगे कुछ करने को होगा नहीं नाला डाल दीजिएगा ना मेरे लिए आप तैयार हो जाए रेडी होइए मैं तब तक आती हूँ ओके आई विल जस्ट कम बैक ओके ओके ऑल द बेस्ट ये सब तो ठीक है ये मुझे यहाँ अकेला छोड़ के तुम इसके साथ मर्डर मिस्ट्री क्या करने गए थे अरे हम सैर करने गए थे मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग वॉक ब्रो ये वॉक वॉक करके पता नहीं कहाँ भगा लेगा तेरे को तो ओके जोरदार तालियां हो जाए रणबीर और अनुष्का के लिए ये कहाँ ये आप कहीं जा रहे थे ये मेरी लोटा लेके ये बम्पर का पेटीकोट है ना हाँ ये किसी की शादी हो रही थी तंबू काट के उसने बनाया आई नो ये क्या है लोटा ओहो हमारी सारी प्रॉपर्टी बाहर घूम रही है क्या पाजी आइए कोई लोटा देता है पता कितने मच्छर थे थैंक गॉड फीमेल थे रात रात इतना काटा उन्होंने मुझे वो रणबीर कपूर है ना आप इसलिए क्यूट लगते हैं आप उनको सारी लड़कियों को लगते हैं आप आइए 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 यहाँ पे विराजमान होइए आपने अरे चारपाई लेके जाओ शो का स्टैंडर्ड डाउन करते तुम लोग कितनी बार का अच्छा वाला बेड लगाया करो सॉरी आपको जो तकलीफ हुई पर कोई बात नहीं यार आप इंजॉय भी तो इतना करते हो बिल्कुल दिल है मुश्किल में दो दो खूबसूरत लड़कियां अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय के साथ रोमांस कर रहे हैं क्या बात वाकई यार नहीं जब आपको पता चला कि अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या के साथ आपको रोमांस करना है तो आपने दो लड़कियों के साथ रोमांस करना है तो फीस नॉर्मल ली या आपने डिस्काउंट दिया था उनको करण एक्चुअली मैंने करण को पैसे दिए थे अच्छा प्लीज ऐसा कर दे मेरी ख्वाहिश है एक तरफ ऐश एक तरफ अनुष्का जन्नत ही जन्नत वाकई रोशनी का टुकड़ा है वो रेशम जैसी महीन झील सी गहरी आंखें रंगों से ज्यादा रंगीन काश आप होते घड़ी तो बांध लेते कलाई पे दिन में बार बार देखकर कहते ये वक्त कितना हसीन है ये वक्त कितना अनुष्का रणबीर का ये कहना है इन्होंने कहीं कहा था कि वर्किंग विद करण इज लाइक ए पार्टी ऐसा क्यों बोलते हैं ये मतलब क्या वो शूटिंग चलते चलते बीच में ड्रिंक्स ऑफर करते हैं ड्रिंक्स तो नहीं ऑफर करते तो फिर क्यों पार्टी जैसा माहौल क्यों होता है रणबीर वहाँ पे एक तो करण बहुत ही रियल पर्सन है जी उसको डायरेक्टर बनने की एक्टिंग नहीं आती अच्छा। और ज्यादातर जो हमारे इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स है जी वो शॉर्ट तो बता देते हैं लेकिन पूरे दिन जो सेट पे रहते हैं ना वो डायरेक्टर की एक्टिंग कर रहे कैसे मॉनिटर के पीछे बैठे हैं ऐसा सोच रहे हैं माइंड में कुछ नहीं चल रहा सबको काम सबको दे दिया एक्टर एक्टिंग कर रहा है लाइटिंग कर रहा है सिनेमेटोग्राफर लाइटिंग कर रहा है तो आई थिंक करण इतना रियल है कि ही जस्ट वांटेड कि हम मजा करें सेट पे अगर हम मजा करेंगे वो एनर्जी होगी वो माहौल रहेगा और वही फिर पर्दे पर यू नो ये वही एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल वही ट्रांसलेट होती है तो बिकॉज मैंने इससे पहले इतने भारी भरकम रोल्स किए थे यू नो इंटेंस डायरेक्टर्स इम्तियाज अली अनुराग कश्यप अनुराग बासु तो
मेरी आदत हो गई थी कि यू नो सेट पे सैक्रिफाइस करना, मैं अपने मूड में बैठा हूँ. मैं अगर ऊपर भी देखता तो डायरेक्टर यू नो पीछे से बोलता तो वापस मूड में जाना जाना था. और यहाँ करण के सेट पे मैं और अनुष्का एक्टिंग कर रहे हैं. कैमरा है, करण वहाँ बैठा है मॉनिटर के साथ, हम एक्टिंग कर रहे हैं और इसका डायलॉग मैं ऐसे देखता हूँ, करण पीछे से डांस कर रहा है मॉनिटर पे, ऐसे कुछ चेहरे बना रहा है, मतलब कुछ वो इंसान ही कुछ और. मैं बात एक तो ट्रॉली शॉट हो रही थी कि कैमरा ट्रॉली पे लगाया और वो ऐसे ऐसे आगे 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 आएगा और मैं बैठी हुई और मैं कुछ फोन पे कुछ मैसेज वैसेज भेज रही हूँ शॉट में और मैं ऊपर देखती हूँ एंड शॉर्ट कट. तो करण स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू द ट्रॉली और वो कैमरा आया 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 यहाँ पहुँचा. मैंने ऐसे करा, मैंने ऊपर देखा, मैं स्माइल किया और करण जौहर दूसरी तरफ ये कर रहा है. कट. हेलो. या अच्छा लिसन, यहाँ पे ना इन द ऑफिस लाइक सो ही इज मूव्ड ऑन टू समथिंग एल्स. मतलब शॉट लेके वो मतलब किसी और पिक्चर की बात करने लग गए. बड़े प्रोड्यूसर है ना, एक टाइम पे कितना कुछ चल रहा होता है. मल्टीटास्कर है, मल्टीटास्कर. आई मीन बहुत मुश्किल होता है इतना सब कुछ यू नो हैंडल करना. वो रियलिटी टीवी शोज में भी होते हैं, वो एक्टर भी है, वो मॉडल भी है, आई थिंक वो प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है. एक्टर थे, उनके एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया. जब हम तीनों बॉम्बे बॉम्बे वेलवेट कर रहे थे तो सबको पता है कि करण जौहर की पहली डेब्यू फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी. जी. उन्होंने शाहरुख सर के दोस्त का किरदार निभाया था, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला था और वो अवार्ड के भूखे हैं. मतलब अवार्ड तो चाहिए उनको. शूटिंग के दौरान कहा था कि आई होप पीपल फॉरगेट बॉम्बे वेलवेट मेरी सॉरी दिलवाले दुल्हनिया मेरी डेब्यू फिल्म है, क्योंकि मुझे सारे अवार्ड्स ये फिल्म के लिए चाहिए. अच्छा. जैसे फिल्म रिलीज हुई जो पलटी मारा, मेरी तो दिलवाले दुल्हनिया डेब्यू फिल्म थी, तो पूरा मतलब पारी ऑफ ही कर दिया. अच्छा अनुष्का, मुझे एक बात बताइए, आप जब भी आप हिल एरिया में शूट करते हैं, इतने ठंडी ठंडी जगह होती है, शिफॉन की साड़ी पहना के, एक तो फॉरेन में जाते हैं, हाँ, बुडापेस्ट, स्विट्जरलैंड, हीरोइन को यहाँ से साड़ियाँ ले जाते हैं, काफी सारी शिफॉन की साड़ियाँ वो पहना देते हैं, इतनी ठंड लगती है. लड़कों को कभी नहीं ऐसा करते कि आप खाली सैंडो पहन के आ जाओ लड़कियों के साथ, इतना इंसाफी क्यों? ये ना इंसाफी, इसके बारे में आप खुल के बोल सकती हैं आज. बहुत 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 बुरी बात है. मैं सालों से देखती आई हूँ कि ऐसे एक्ट्रेसेस खड़ी रहती थी, मतलब खूबसूरत लग रही होती थी, लेकिन देख के उनको लग रहा है कि मक्खी कैसे कर रही है ये, और आदमी लोगों ने पहना हुआ है स्वेटर और जैकेट. एंड जब वो उनको पकड़ती थी ना, तो मुझे देख के लगता था कि ये बस ना गर्मी के लिए कर रही है. बट वो देखने के बाद भी मैं सोचती थी यार ऐसा कभी करना चाहिए, तो वो करने का मुझे मौका मिला. ऐ दिल है मुश्किल में, हम लोग ऑस्ट्रिया में शूटिंग कर रहे थे, तो एक ग्लेशियर के ऊपर हमने शूट किया था. अच्छा. और मैंने एक साड़ी पहनी थी शिफॉन की, जैसे आपने कहा, तो मैं बहुत डरी हुई थी कि मतलब क्या होगा, तभी इतना खराब हो जाए. तो मैं साइक किया अपने आप को कि नहीं, मैं मुझे ठंडी नहीं लग रही है, मुझे ठंडी नहीं लग रही है, आई एम फाइन, आई एम ओके. और वो ना केबल कार जाती है ऊपर, तो नीचे तो मैं आई एम फाइन, आई एम ओके, हाँ सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, लेकिन जैसे जैसे वो केबल ऊपर जा रहा था ना, मेरा ना कॉन्फिडेंस नीचे आ रहा था, क्योंकि ठंडी बढ़ रही थी. लाइक आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके, एंड फाइनली आई रीच ऑन सेट. ये भाई साहब, इन्होंने इतने सारे कपड़े पहने हुए, मतलब ग्लव्स पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, आई थिंक बीनी भी पहनी हुई थी, कान इसके कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है. ये इट्स टू गोल्ड मैन. मुझे इतना गुस्सा आया कि उस गुस्से से ही मेरी बॉडी गर्म हो गई. मैं इसको मार दूंगी. पाजी सोशल सर्विस था, न्यू के अगर गुस्सा होगी तो बॉडी गर्म हो जाएगी. समझ रहा हूँ. मैं लेयर्स में काम करता हूँ. आई नो, आई नो. कपड़े की लेयर्स और सोल के लेयर्स में काम करता हूँ. मौसम का बड़ा प्रभाव होता है. आपको डायलॉग गुस्से वाला बोलो चले जाओ मेरी जिंदगी से, ये तुमने मेरे साथ गलत किया है, पूरे ठंड लग जिंदगी. मैं सोशल नेटवर्किंग पे फोटोग्राफ्स देखे कुछ, कि रणबीर को करण सर कुछ नहीं बता रहे हैं कि कैसे करना है क्या नहीं करना है, अनुष्का को सीन कर करके बता रहे हैं. अब मुझे पता नहीं कि वो इनको कुछ सिखा रहे थे या उनका खुद हीरोइन की एक्टिंग करने का दिल कर रहा था. हाँ. पता है बिगिनिंग में क्या हुआ कि हम सेट पे पहुंचते थे तो डायरेक्टर बोलते हैं एक्टर्स को कि ओके गाइस आप सीन करिए, एक्टर्स ब्लॉक करते हैं सीन को, पूरा सीन इनएक्ट करते हैं जी, एंड देन शॉट लगता है जो भी. पहले कुछ दिन मैं आती थी सेट पे, रणबीर अपना पार्ट कर रहा होता था और करण मेरा पार्ट कर रहा होता था. और दोनों एक दम अपने बीच में सीन कर लेते थे और मैं बस देखती रहती थी ये क्या हो
रहा है? हमारे पास तस्वीरें भी, मैं सबको दिखाता हूँ यहाँ पे. प्लीज दिखाइए, प्लीज जरा दिखाइए क्या हो. ये देखिए, वो देखिए, करण जौहर पूरा एंजॉय करते करण सर अपनी फिल्मों को. एक और है हमारे पास, पेश कर रहे हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर. अनुष्का से ज्यादा फीलिंग ली करण सर ने. अच्छा कपड़े उन्होंने खुद भी देखो कितने पहने हैं. अनुष्का बेचारी को देखो, पतली सी साड़ी. रणबीर मैं आप, ये आप दोनों से सवाल है. आपने हर तरीके की फिल्में की हैं, आपने भी NH10 में मारधाड़ भी काफ़ी की, सुल्तान में कुश्तियाँ की, रणबीर ने भी काफ़ी सारे एक्शन फिल्में भी की हैं, रोमांटिक भी की हैं. आपको मज़ा ज़्यादा किस में आता है, रोमांस करने में आता है? मैंने एक्चुअली नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात पूछी थी, उन्होंने आज तक कभी कुछ किया नहीं था ऐसा रोमांटिक सीन. उनको सोहेल भाई ने एक फिल्म में करवा लिया रोमांटिक सीन, वो बोलते मेरे मुँह को खून लग गया है. तो कहते मैंने कभी सोचा नहीं था अब मेरे को यही फिल्में करनी है, तो वो रिजेक्ट करी जा रहे हैं. तो मतलब उनका तो मुझे क्लियर हो गया. आपको ज्यादा किन चीजों में मजा आता है, मतलब कैसी फिल्म करने में? मैं प्रार्थना करता हूँ कि नवाज भाई के मुंह में खून ना लग जाए, क्योंकि अगर वो रोमांटिक रोल में आ जाए हमारी खैर नहीं रहेगी, क्योंकि वो इतने अच्छा एक्टर है. और जब मैं अपनी पहली फिल्म कर रहा था सावरिया, संजय लीला भंसाली मुझे लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने तभी मुझे कहा था कि मेरा जो फेस स्ट्रक्चर है ना, मेरी आंखें का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो बोन है ये थोड़ा नीचे आता है, तो अगर मैं नॉर्मल भी रहूँ ना, मेरे फेस में बहुत उदासी है. देखो तो वो पहले से ही मेरे जहन में बैठ गया था कि जो इंटेंस सैड वाले रोल्स है ना, मैं बहुत आसानी से कर लेता हूँ. अच्छा. जब वो फन रोल्स होते ना, जहाँ यू नो खेल कूद है और हंसना, मैं हंसता नहीं हूँ. अच्छा. मैं हंस नहीं सकता फिल्मों में. इसको हंसा के दिखाओ, जिस इसकी हंसी कभी सुनना. इसके पीछे एक रीजन बताता हूँ कि मेरी हंसी में कोई आवाज नहीं है. अच्छा. तो फिल्म के लिए आवाज के बिना हंसी तो यू नो इट डजंट मेक सेंस, तो आई हैव टू पुट अ साउंड. जब मैं डालता हूँ तो एक गधे की आवाज आती है. सीरियसली थोड़ा सा कुछ ऐसे गा के बताओ. तो कुछ एक जोक मार. When you have such a great comedian, why would you ask? कभी सचिन सर को कोई बोलता है अरे सर एक सिक्सर मार के दिखाई दे, कोई आर्मी ऑफिसर आए सर तोप चला के दिखाइए ना. तुम ये कह रहे हो मैंने 4:10 पे शताब्दी ली. अच्छा. एमपी था, बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो 4:15 तक थक करके नींद आ गई. 4:30 बजे मुझे तीन मोहतरमाए बहुत खूबसूरत टना टन टना टन हिला देखा. पहले तो मैंने यूं करके, मैं सच्ची बात है क्या है सिद्धू भाजी, हाँ जी हंस के दिखाओ. ओ मैं क्या तो अभी अभी पहले हंस के दिखाओ, अरे अरे हंस के दिखाओ, सवा 4 बजे हंस के दिखाओ. हट मैं तो ये होता है. अभी आई थी. अच्छा आप ही जो क्या कर लो, ये हंसा था थोड़ा सा अभी. ऐसा हाल है, ये तो हाइड्रोलिक ब्रेक लग रही है यार. तभी हमारी जोड़ी अच्छी है. इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, अब बातों से ही पता चल रहा है. ऑब्वियसली आपको फिल्म में भी देखने को मिलेगी. आपने पहले कभी साथ में फिल्म कभी की नहीं है ना, फर्स्ट फिल्म है ना? अच्छा नहीं सॉरी या 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 सॉरी यू आर राइट सॉरी सॉरी न्यू मैन सॉरी. हां वो मैंने नहीं देखी, सॉरी किसी ने नहीं देखी. मतलब पहली बार जब आपने फिल्म की थी साथ में, बॉम्बे वेलवेट की थी, आप पहली बार सेट पे मिले थे कि पहले से जानते थे आप एक दूसरे को? जानते थे. बता दे तो हमारी पहली मुलाकात वाली स्टोरी बता दे. जी ये ना मैंने इसका इंटरव्यू देखे थे, फालतू बकवास लोग, ऐसे हम मिले भी नहीं थे, ऐसे बोल रहा था ये. तो पहली बार हम लोग मिले थे, ये ना आई थिंक वेकअप से शूट कर रहा था और मैं अपनी पहली फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का शूटिंग करी थी और हम लोग थे यशराज स्टूडियोज में और ये जिम कर रहा था. अच्छा. और मैं अंदर आई, मैं इसको देखा वर्कआउट करते हुए, तो इसने कुछ और स्टोरी बताई. मैंने अभी कोई इंटरव्यू देखा है इसका, कि मैंने बोला ओह सॉरी आई विल कम बैक. क्यों बोलूंगी मैं कम बैक, मैं वर्कआउट करूंगी अगर मैं वहाँ पे आई हुई हूँ तो. ये बोल रहा है इसके वर्जन में, मैंने आके बोला ओह सॉरी आई विल कम बैक, इसने कहा नो 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 प्लीज वर्कआउट. मेरी कहानी मैं कुछ भी बोलूंगा. फिर क्या हुआ था? ये तो हुआ ना? What nonsense! ऐसा कभी नहीं हुआ. तो मैं अंदर आई, मैंने इसको देखा, इसने को देखा, हाय बोला हाय, मैंने वर्कआउट किया, इसने वर्कआउट किया, वर्कआउट नहीं किया, इसने बोला बाय, मैंने बोला बाय. नहीं नहीं सॉरी. मुझे याद होता अगर तू मेरे सामने वर्कआउट करती. एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इसके साथ हूँ एज एन एक्टर. There's some strange comfort that we have with one another. And ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लोग रोज़ बात करते हों या हम ज़्यादा मिलते हों.
बट एक वो है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है. आपका क्या कहना है? आप भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. रोज क्यों नहीं बात करते? बिल्कुल पाजी, बहुत कंफर्ट लेवल है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर. बड़ी अच्छी बात है, वो स्क्रीन पे आपकी केमिस्ट्री दिखती है. ऐ दिल है मुश्किल में ना एक ब्रेकअप सॉन्ग है जिसपे सब अपने अपने कानों पे हेडफोन्स लगा के नाच रहे हैं. वो सारे एक ही गाना सुन रहे थे कि अपने अपने हिसाब से अपना अपना लगा के नाच रहे थे? कॉन्सेप्ट एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन पाजी, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है दुनिया भर में विच इज कॉल्ड साइलेंट डिस्को, जहाँ आपको हेडफोन दिए जाते हैं और एक ट्रांजिस्टर टाइप पेजर जैसा मिलता है जो चार चैनल्स होते हैं, चार डिफरेंट डीजे होते हैं. तो आप लगाओ जो भी डीजे आपको पसंद है, जो भी ट्रैक्स आपको पसंद है, आप उस पर नाच सकते हो. लेकिन अगर एक आदमी जो बाहर से देख रहा है तो ऐसा लगता है कि सब पागल है, क्योंकि सब साइलेंट में हेडफोन लगा के नाच रहे हैं. ये जो गाना है वही कॉन्सेप्ट पे गाना बना था. तो अनुष्का का ब्रेकअप हो जाता है तो वो डीजे के पास जाती है और कहती है कि कोई अच्छा बॉलीवुड डांस नंबर लगा. तो वो डांस नंबर लगता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा जो पार्टी है वो चैनल पे ट्यून करते हैं और हम सब वही बॉलीवुड डांस नंबर करते हैं. वाह, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है. वेल डन. क्या बोला था वो? अनारकली मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसा तो बोला. नहीं, अनारकली इनके सामने मत नाचना. शुक्र करो ये नहीं पूछ लिया अनारकली कितने आदमी थे. पूरे चार. पता है जब भी कभी भी हम लोग कभी लाइक इफ यू एंड करण के घर में हम लोग होते हैं, हम सब और भी लोग होते हैं और दोस्त वोस्त, तो कभी भी अगर कोई ये गेम होता है ना, ये वो सोच के अगर हम सिर्फ दोनों करण के घर अकेले होते तो कुछ बुरा होता. करण के घर होते और दोस्त वोस्त. पहले पूरी बात तो सुन लो. ये बना हुआ है एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, होल्ड ऑन. तो वो गेम खेलते हैं ना कि टीम्स बनाते समझ में आया? तो टीम्स बनाते हैं और गेम खेलते हैं ना कि गेस क्या बोलते हैं उसको, फिल्मों वाला डम शराज. तो कोई मुझे टीम में नहीं देता, मुझे और आदित्य रॉय कपूर को लास्ट में चूज किया जाता है. ओ. क्योंकि हमारी फिल्मों की रेफरेंसेस सबसे मतलब पुअर है, लाइक 0/100. ये बात क्यों सुनाई भाई? पाजी आपको पता है ये जान के आपको खुशी महसूस होगी. अच्छा मेरे को ये बहुत प्यारी लगती है अनुष्का, अपनी बातों में बड़ा एंजॉय करती है. ये खुद की फेवरेट है. But actually, अच्छी बात है, होना भी चाहिए. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सेल्फ एंटरटेनमेंट कर रही होती हूँ. वेरी गुड. So just imagine the entertainment कितना poor है, जो खुद को entertain करना पड़ रहा है. What do you mean the show is not good or what? Not this show. क्या बोल रही है? जिस थाली में खा रही है उसी में टूट रही है. नहीं यार, ये तो मतलब मेरा फेवरेट शो है. शो का नाम क्या है? कपिल शर्मा शो. Nice. शर्माओं का शो है. अजी आपको सबका है, सारे शर्माओं का है. बस बस आपको एक्चुअली इनका अपना शो है ये, ऐसी बात नहीं. रणबीर आपने रॉकस्टार में रॉक स्टार प्ले कर रहे थे आप, आपने उसमें बहुत सारे लोगों से पेमेंट डेली लेकिन शोज नहीं किए. फिल्म इसमें आप हर जगह गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको शौक है एक्चुअली रॉक स्टार प्ले करने का? ऐसे नहीं कि मैं एक रॉक स्टार प्ले कर रहा हूँ, उसकी उसकी चाहत है. जैसे आप गाते हो, आपका पैशन है जी. आप एक्टिंग करते हो, आप शोज करते हो, बट यू ऑल्सो लाइक सिंगिंग. ऐसे ही जो किरदार मैं निभा रहा हूँ आयान, वो एक्चुअली MBA कर रहा है लंदन में. MBA का मतलब क्या होता है? मेरे बाप की आरज़ू. मतलब फिल्म में हां बढ़िया बोलता है, मेरी बात की आरज़ू कंप्लीट कर रहा है. अच्छा, क्योंकि ये एक्चुअली गाना चाहता है. तो इंटरनेट में थोड़ी आवाज हो जाती है, बट ऐसे कोई बड़ा जनार्दन जाकर वाला रॉकस्टार नहीं बनता. अच्छा, एक्चुअली बहुत ही अजीब बात है कि ये रॉकस्टार सिंगर के रोल प्ले करते हैं, हालांकि इनकी आवाज द वर्स्ट है. सो मच सो दैट मुझे पता है कि जब ये रॉकस्टार के लिए शूट करते थे तो एक्चुअली गाना पड़ता है ना जब शूट कर, लेकिन आवाज किसी और की आ रही है तो ये एक्स्ट्रा स्पीकर्स मंगवाते थे कि इनको खुद की आवाज़ें सुनाई दे वापस. That is true. और करना आपस में बातें, हमें मजा आ रहा है. आपस में बातें करते रहे तभी इतने एंटरटेनिंग है. वो भी बिना देखे. एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया, वो आपकी तरफ मुंह करके बैठा, आप इधर करके बैठे, हम लोग बस स्टॉप पे बैठे हुए बस की वेट कर रहे हैं. हाँ जी,
I know Ranbir and his family very, very well. Hi, Rajiv. Hi, Ranbir. So, Ranbir, Anushka is a very good singer. And Ranbir, I want you to prove karke dikhaye ki Anushka achhi singer hai. Aap achhi singer ho. Acha, Ranbir gaata bhi hai? He sings very well. So, Ranbir, why don't you show? Who sings very well? Ranbir, yeah, very well. Aap kaun ki duniya mein reh rahe hain? Dekh lo. Chha gaya guru. Anushka, koi yahan se audience mein se koi bol raha tha ki aap Anushka se poochna. Wo unko pahadi gaane bade acche lagte hain. Haan. Mujhe ek hi gaana aata hai. कौन सा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. वेरी नाइस. इसका मतलब क्या था? ओ देखो देखो आपको गाना अच्छा लगता है आपको मतलब पता होता है. दोबारा करियो दोबारा. एक्चुअली मुझे एक और गाना आता है मुझे याद आया एकदम से. मैं मम्मी को फोन करूंगा वो याद नहीं आएगी. पूरा अच्छा गाया तुमने यार. मुझे वो पूरा गाना आता है ये ना. मुझे पूरा नहीं आता उसका मुझे मतलब भी पता है. बिल्कुल मुझे कुछ और गाने के ज्यादा ठीक पता है. तो एडिट करें ना जहाँ भी तभी तुझे याद आए. कोई भी बात चलती तो रोक देना तो गा लेना. याद आएगा मैं गा लूंगी. ठीक है बीच में कहीं पे भी शुरू है ना. पर ये ना हमारी बातचीत चल रही बीच में आप शुरू हो जाओ. अनुष्का ना खुद नहीं ड्रिंक करती लेकिन इनको जो ड्रिंक करते हैं ना पार्टीज में वो बड़े अच्छे लगते हैं. वो क्यों? इनका ये मानना है कि गॉसिप निकल आते हैं लोगों के बाहर. दो ड्रिंक अंदर जाते हैं जगह रहती नहीं फिर बाहर आ जाते हैं. लेटेस्ट गॉसिप कोई आजकल मार्केट में आया हो? रहने दो. मैं बोला ना खुद एंजॉय कर लेती हूँ. शरारती मूड में हो. बढ़िया सच्ची में होता. अच्छा मैं बोलूँ या मुझे बोलिंग नहीं दे रहे तुम? नहीं मैं गॉड यार शर्मा. मैं तो एक बार भी नहीं बोला. आप ही बोल रहे हैं जब से आए. हाँ तो फिर एक्चुअली ऐसा बहुत होता है मेरे साथ. तो मैं ड्रिंक नहीं करती ठीक है. तो मैं कभी भी किसी पार्टी में जाती हूँ तो क्या बिगिनिंग में तो ड्रिंक नहीं करती. एक वक्त होता था जब तू करती थी. अब नहीं करती. मतलब 3 साल पहले करती थी ठीक है. मतलब 30 साल वाली बात बोल रही है. तो मान के उठ के चली गई. छोड़ो ये कुछ बता नहीं रहे. मैं जा रही हूँ. वो बोल रही है ये लो भाई तुम्हारा एक चले गया. ओह आंटी चेंज योर माइंड थैंक यू. अपनी आंटी सुनिए. तो हम कहाँ थे? तो आंटी बात ये है कि अरे बैठ के सुनिए. आंटी सोच रही है मैं ये क्या हो गया मेरे साथ. अभी ना मेरी ना स्टोरी बहुत हाइप हो गई है. इतनी खास है भी नहीं. इतना उसको बिल्डअप हो गया है कि अब तो तू ड्रिंक नहीं करती. एनीवे तो नहीं करती. तो क्या होता है लोगों को पता नहीं होता कि मैं नहीं करती हूँ. जो मेरे दोस्त वोस्त है वो जानते हैं. जिनको नहीं पता होता है तो उनको लगता है कि मैंने भी. और मैं क्या है कि मुझे ज्यादा ना जरूरत नहीं होती है पागल होने की. मैं एक्चुअली वेट करती हूँ कि लोग कब मेरे लेवल पे आ जाएंगे. तो मैं नॉर्मली अपने आप को थोड़ा सा रखती हूँ सभ्य बिहेव करने के लोगों के साथ. लेकिन जैसे लोग थोड़े पागल हो जाते हैं ड्रिंकर मैं भी निकल जाती हूँ बाहर. अभी चलो अभी फ्री हो सकते हैं और पागल हो सकते हैं. एनीवे तो लोग आके ना मुझे अपनी भी सारी कहानियाँ बता देते और मैं बस आई नो मैन आई एम सो हाई. बीच बीच में बस बोलती रहती हूँ तो मुझे तो सब गॉसिप मिलती रहती है. अनुष्का आगे चल के किताब लिखेंगी एकदम ही तब पता चलेगा. नहीं अच्छी बात है कुछ चीजें दिल में रहनी चाहिए. आपको पता ना ये हमारी इंडस्ट्री के AI ऑल इंडिया रेडियो है ये. सब तो ये सच बात है. अगर कोई मुझे कुछ सीक्रेट बताता मेरी हालत खराब होती है. आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद समबडी एल्स. और मैं आप सबको ये बात बता दूं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम है सीक्रेट. क्योंकि हर इंसान का एक दोस्त होता है जो किसी को नहीं बताएगा और उस इंसान का भी दोस्त होता है जो किसी को नहीं बताएगा. और ऐसा करके ये पूरे हॉल को सब जानते हैं कि सीक्रेट क्या है. कभी ऐसे कुछ नहीं बताती हूं. तेरे ड्राइवर के थ्रू मुझे आ जाता है. सुरेश इज नॉट लाइक दैट. अच्छा पेरिस में ना एक ब्रिज है वहां पे लोग ताले बांध के चले जाते हैं. एक ऐसा अमेरिका में भी है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे वहां पे भी लोग ताले बांधते हैं. वहां पे मैंने पूछा था क्यों बांधते हैं कि वो जो जिनका वीजा खत्म हो जाता है जैसे स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं या कुछ और करने कि हमें दोबारा वापस आए तो हम आग खोलेंगे. पुलिस ही खोल खोल के ले जाती है. खैर आपने भी पेरिस में एक लॉक बांधा ना. आपने किस लिए बांधा था? मेरे पास एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे प्लीज दिखाएंगे आप. अनुष्का एंड लव डूड डूड डूडी. व्हाट इज डूड अनुष्का? चलो अभी मुझे बतानी पड़ेगा. मेरा कुत्ता है. अच्छा वो मेरा कुत्ता और मैं उसकी इंसान हूँ.
वो मुझे देख के बोलता होगा मेरी इंसान. एक्चुअली कुत्ते भी आपस में बातें करते हो ना. हाँ और सुना तो क्या. ये मेरा रणबीर कपूर है. दादू पाजी ये मशहूर गुलाटी के पिताजी हैं. ओ अच्छा. इन्होंने काम खराब किया उनका. रणबीर ये आपके पापा ऋषि साहब के बड़े फैन है ये. जी फैन क्या फैन, तो बहुत छोटे होते. वी आर बेस्ट फ्रेंड्स यू नो. वी आर एंड प्लीज टेल माय फ्रेंड. मैं साहब या कम यार ओबीडियंट चाइल्ड. ताली बजाओ. इधर उधर जितर. प्लीज टेल माय फ्रेंड आई लव हिज ट्वीट्स. मेनी पीपल लव हिज ट्वीट्स. अगर मेनी पीपल हो गया बच्चे क्या. बस टिप टॉप अंकल. मार्केट में बड़े ठंडे हो गए यार. हाँ. कोई गॉसिप वॉसिप नहीं चल रहा तुम्हारा. फिल्म ही नहीं चल रही आजकल. क्या चल रहा है बताओ. कौन है आजकल. आजकल करण जौहर है जिसकी फिल्म आ रही है. नहीं नहीं नहीं. हेलो यंग लेडी. बेबी को बेस पसंद है. रणबीर. हाँ जी. बच्चे इसमें ना 3-4 हीरोइंस का नंबर डाल दे. दादू आपको शर्म नहीं आ रही इस उम्र में. आप कैसी बातें कर रहे हैं. मैं तो बचपन से कर रहा हूँ और नोटिस आजकल हो रही तो मैं क्या करूँ. अनुष्का. यस. मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ. ये क्या है. हो गया. अरे कहीं आपकी टांग है ना. अरे एंजल्स प्लीज कम रेस्क्यू. जो लोग अनुष्का से रणबीर से बात करना चाहते हैं आप लोग अपनी बात कर सकते हैं. जी सबसे पहले कौन. हैप्पी दिवाली एवरीवन. आपको भी बहुत मुबारक. मैं अनुष्का मैम का बहुत बड़ा फैन हूँ. मैम मैंने सुना है कि आप स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छा करते हो. तो मैं चाहता हूँ कि आप बॉलिंग कपिल सर और रणबीर सर को करो. ये आपने कहाँ से सुना है पहले तो मुझे बताइए. मतलब एक कौन सा गूगल है आपका. फिजूल ट्वीट देखा था. अरे मतलब पोस्ट देखा था. फिजूल ट्वीट. फेसबुक का ट्वीट इंस्टाग्राम में देखा होगा. हेलो. मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्पिन बॉलिंग होती क्या है. तू बैटिंग कर ले. कपिल सर बॉलिंग करें तो बैटिंग कर ले. मैं विकेट कीपर बन जाता हूँ. नहीं मैं गाना. एक और गाना गाएगी. रणबीर रेडी है ना. रेडी टू डू एवरीथिंग. बैटिंग बॉलिंग गाना. ओके ओके गिव मी. आज दिन है उसका फॉर्म में. बैट है ना. इधर है. मेरी मर्जी यार. मैं कुछ भी चूज कर सकती हूँ. कपिल सर आप बैटिंग कर लो. पाजी समझ में नहीं आ रहा इसने क्रिकेट कैसे सीखा. थैंक यू ब्रदर. जी हेलो कपिल सर. अनुष्का मैम रणबीर सर एंड सिद्धू सर. आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं बहुत खुश हूँ आपको बताने के लिए कि इस बार दिवाली वेकेशन के टाइम मैं दुबई में रहूँगी और आपका शो दुबई में लाइव होने वाला है और मैं वो अटेंड करूँगी. थैंक यू. ऑल्सो मैं रणबीर की बहुत बड़ी फैन हूँ. यू आर माई फेवरेट. थैंक यू. तो पास लेने आई है दुबई शो का. नहीं, आपको बताने आई हूँ. सो स्वीट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. थैंक यू. अरे ये लड़की ने देखो रणबीर आपके नाम की टी शर्ट पहनी हुई है. हाँ देखा. रणबीर इज माई बे. हाय व्हाट्स योर नेम.
Tanisha. Tanisha, that's really sweet, yeah. Sir, I'm a very, 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 very big fan. First, don't call me sir, call me Ranbir, and thank you so much. I feel so good seeing that. Sir, can I? अच्छा रुको रुको वो मैं decide करूँगा अभी. बहुत हो गया हगना वगना सब मैं देखो. मेरे को आपसे बात करनी है आपने इतनी cute t-shirt पहनी हुई है और आप बहुत cute भी हैं. ये बे का मतलब क्या आता है बताइए. He's my life. देखो यार इस पे तो हग बनता है. हाय रणबीर, हाय अनुष्का, हाय कपिल. हाय. मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सिंस यू बोथ आर ग्रेट डांसर्स तो क्या आप वो मेरी चांदनी सॉन्ग पे डांस कर सकते हैं? क्यों मेरा गाना अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा मेरा और अनुष्का का एक नया गाना है ब्रेकअप सॉन्ग. नहीं ये जो आपने कहा कि दो मिनट देखो बड़ा अच्छा स्टेप करने वाले कहा पहले टेंशन ली गई नाउ सी. आपका अपना नाम नहीं बताया ब्रदर. कन्नन. कन्नन आपने भी बहुत अच्छा इनका मोमेंट खराब किया. ब्रिलियंट इट वाज सुपर्ब. गाना आया? गाना आया? नहीं नेट स्लो चल रहा है एक्चुअली. नेट स्लो नहीं आ गया था मुझे गाना आ गया वैसे मुझे. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. गाना याद आ गया गाना भी. तो दोस्तों आप सबको जान के बहुत ही खुशी होगी प्राप्त होगी अनुष्का का गाना याद आ चुका है जी. ये आज और मैं गढ़वाली फैंस एंड कुमाऊनी फैंस. बबूती बसूती क्या खानी दुदुभाती मिवी देली ना झूठो छ के कू बड़ी माँ कू बड़ी माँ कक गई जुल दोन क्या लानी दानी मिवी देली ना. अनुष्का एक गाना था किसी की इलेक्शन कैंपेन कर रही थी कि तो बदूदा है बड़े अच्छे इनको वोट दे नी. हाँ एक्सक्यूज मी आपको कहीं देखा देखा ऐसा लगता है. आपको मैं नहीं जानती. अरे मुझे तुम भूल गई मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था यार. नहीं मेरे घर में बड़े सेलिब्रिटी आते थे. हाँ 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 मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा. अरे तू कितनी बार तो आई अपनी मम्मी के लिए शेविंग रेजर लेने मेरे घर से. हाँ 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 मुझे अभी याद नहीं आया. एक दो बार अपने पापा के लिए लिपस्टिक भी मांगने आई थी. हाँ मुझे याद नहीं आ रहा. तो तुम्हें कैसे याद आएगा फिर जब हमारी फैमिली के बारे में तो डंकी बात करोगे. जब से मम्मी शेविंग की पापा लिपस्टिक नहीं आ रही क्या होते हैं यार. तो इतने दिन बाद क्यों आई कहाँ थी तू? मैं वो ना हॉस्पिटल में थी. क्या हुआ था कि हॉस्पिटल का जो बोर्ड था ना हाँ. उसका ना पी खराब हो गया था तो 6 महीने से मैं पी बन के खड़ी हुई थी वहाँ पे. ऐसे पी बन के खड़ी हुई थी. अभी उन्हें लगवा लिया तो फिर मैं यहाँ पे आ गई. अच्छा इतने दिनों बाद आई कुछ खाएगी? वाह लगता है काफी माल बना रहे हो आजकल खाओगी. वेरी गुड यार सिद्धू जी. हाँ जी मैं आई हूँ लेकिन मैं आपके लिए ना एक सबसे पहले गाना गाना चाहती हूँ अगर आप यू डोंट माइंड. ठोको. ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट गरम गरम. ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट. ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट गरम गरम. ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट. ओ ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट गरम गरम. ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट. सिद्धू जी सिद्धू जी सिद्धू जी सिद्धू जी सिद्धू जी जीरो पे आउट गरम गरम. सिद्धू जी जीरो पे मैं यहाँ आई नहीं तो क्या हो गया. मैं प्रोग्राम तो देखती हूँ ये वाला. गानों में उलझ गई यार. जिस बात के लिए मेन बात के लिए जिसके लिए मैं आई हूँ वो तो मैं आपको बता दूँ. मैं आई हूँ इस बात के लिए कि रणबीर कपूर जी हैं जो ये मेरे हस्बैंड. मैं अपने हस्बैंड से अब सेपरेशन करने के लिए आई हूँ और इनसे लूंगी मैं तलाक तलाक तलाक. कैसे शादी नहीं की तो तलाक किस बात का? हमारे फैमिली मैटर में ना तुमको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है. ओके शादी नहीं की तुमको बड़ा पता नहीं शादी की है कि नहीं की है. एक साल पहले हमारी शादी हो चुकी है. क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास लेकिन वो स्कूल गया हुआ है अभी. इतना झूठ बोल रही भाजी. एक साल पहले शादी हुई सबूत. एक साल का बच्चा कौन सा स्कूल जाता है? नहीं नहीं शादी एक साल पहले हुई है. पेपर वर्क तुम्हारा बहुत पहले हो गया था.
सारा समाज सबूत मांगता है ना, तो सबूत मेरे पास है। सिद्धू जी हम दोनों हनीमून पे गए थे। ओह। और हनीमून पे जब गए थे ना, तो वहाँ पे हमने ना मतलब एक वीडियो बनाया था, थोड़ा सा हमारा प्राइवेट वीडियो है, तो वो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगी। रामू काका मोबाइल लेके आना। मेरा मोबाइल फोन है, आओ वीडियो प्ले करते हैं। आइए 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 मोबाइल प्ले। ठंड कितनी लग रही है ना। अच्छा नहा दे तो बेबी। अरे आपका हाथ तो बहुत ज्यादा ठंडा है। नहीं नहीं हाथ क्यों, ये तो बर्फ कैसा हाथ है आपका, हाथ नहीं पकड़ना मेरा। बेबी हम हनीमून पे है, इशारा समझा करो। मुझे पता है हम हनीमून पे हैं, पर आपका इशारा है यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है। आपका इशारा है कि यार खत्म हो गया। शट अप मामा, चुप कर जा। पीछे से बोल रहा है बर्फ खत्म हो गया। खत्म हो गया ये तो, खत्म हो गया बर्फ, खत्म हो गई। तो अभी इशारे की बात कर रहे थे हम। मैं समझती हूँ आपका इशारा है कि इस ठंड के मौसम में मैं अपना शॉल और मफलर आपको दे दूं ताकि आपको ठंड ना लगे। ओके, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मेरे को जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। बफरिंग। बफरिंग हो रही है। बैटरी लो। अरे सुनो, ऐसा होता तुम्हारा हनीमून? हाँ मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो तलाक लेके रहूंगी। मेरे पेपर, मेरा पेन, डिवोर्स सेटलमेंट यहाँ पे आप साइन करिए। चलिए मुंह पे लगा दो। पीछे जरन भी उसको उल्टी आ रही है शायद। अच्छा रो रही हो, सॉरी सॉरी मुझे नहीं पता, मुझे लगा शायद वॉमिट कर रही हो। 6 महीने से मिले नहीं है तो वॉमिट कैसी होगी मेरे को। But I'm feeling so bad, so sad. तुम रो रही हो ब्रेकअप के बाद। अनुष्का को देखो, ऐ दिल है मुश्किल में, उनका ब्रेकअप होता है वो डांस करती है गाना लगा के। आइडिया बुरा नहीं है। चलो मैं अभी जा रही हूँ। नहीं शुरू की मटेरियल अंदर मैरिज एग्रीमेंट का निकला, देखो। ओहो दोबारा हो गई शादी, पक्की होगी, कोर्ट वाली होगी ये तो। चुपचाप छुड़ी के बाद घर आ जाओ। चलो रणवीर, अनुष्का मुझे ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है, आप लोग मेरा थोड़ा साथ दे देना, थोड़ा उसमें पार्टिसिपेट कर लेना। जल्दी जल्दी सिटी केबल का सेटअप लगाइए। चलिए हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत बहुत जरूरत से ज्यादा टैलेंटेड। अपनी तारीफ में मैं जितने भी शब्द कहूं शायद कम पड़ जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट बम्पर। सिटी केबल के इस प्रोग्राम बाल की खाल में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं। हमारे साथ बहुत ही जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं यहां पर। आर के स्टूडियो से रणबीर कपूर, NH10 पर सफर करती हुई अनुष्का शर्मा, और यहां पर मौजूद हैं न जाने न माने डॉक्टर मशहूर गुलाटी। न जाने या न माने, याद रख मैं डॉक्टर होने के साथ साथ तुम्हारा बॉस भी हूं। फिर ठीक है, मैं रडर कर दिया तो फिर आदमी क्या बोले। हमारे साथ यहाँ पर और जुड़ी हुई हैं ओवरवेट जुड़े वाली टीचर विद्यावती। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, देखिए रणबीर अनुष्का
मुझे टीचर इस जालिम जमाने ने बनाया है. बेसिकली जो मेरा मेन आर्ट है वो तो सिंगिंग एंड एक्टिंग है. हेलो. अच्छा मैं इतना झूठ हो रहा है यहाँ पे, इतना झूठ बोल रहे लोग. मैं बताता हूँ इसका काम क्या है. ये लड़की झूठ बोल रही है. क्यों? इसका मेन काम है ऐसे अंगूठा लेके ना ऐसे गले में रखने, मैल निकालने का काम इसका. बात कर रही है. Shut up. You too, same. इतने बड़े बड़े मेहमान आए. रणबीर कपूर साहब मैं आपका बड़ा फैन हूँ. लाइव आप बाहर रही है. मेरे को आप बड़े अच्छे लगते हैं. आपका मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ. जब आपका गाना था ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल, मैंने अपनी बीवी को सुना दूँगा कि बड़ा चिढ़ाया वो बड़ी बदतमीज है. और मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं आपका फैन हूँ. मेरे को आपसे कुछ और कहना है. मेरे को ये कहना है कि मतलब आई लव यू है. अरोड़ा जी आप थोड़ा हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं. अच्छा मेरा बढ़ना इसको दिख रहा है. खुद तेरा पेट तेरे पेटी गोड़ से आगे बढ़ रहा है. वो तेरे को दिख नहीं रहा है. अथू. ठीक है, हमारे बहुमूल्य समय को नष्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप प्लीज अपनी सीट पर पसर जाएं. ओह बेटे आप भी आए. हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन. मैं आपको नहीं, मैं आपके जूड़े से बात कर रहा हूँ. अब मैंने कहा इतना बड़ा हो गया, हो सकता बोलना चलना सीख गया हो. देखिए जस्ट कीप योर माउथ शट. अगर मेरे जूड़े के बारे में कुछ कहा ना आपने, ये मेरी पहचान है. वाह ये तो बड़ी अच्छी राइमिंग होगी. इसकी पहचान जुड़ा है, इसकी पहचान कूड़ा है, ये कचरे में रहता है सारा. हाँ कचरे में रहूंगा ना जी. मुझे अपने भाई के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का भी सामान ढूंढना पड़ता है ना, इसलिए मैं कचरे में रहता हूँ. चलिए सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं. आज हमारा विषय है कि इंसान को दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से. आप अपने विचार जरा इस पे प्लीज थ्रो करेंगे. देखिए मैं दोनों से सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पास दिल भी है और दिमाग भी है. ऑब्वियसली. किंतु परंतु अगर आपके पास एक कमी है जो आप में से किसी की भी हो सकती है, देन उसके अकॉर्डिंगली देन यू नो एक्ट करना पड़ता है. डॉक्टर गुलाटी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप डॉक्टर हो. यस yes. आपका दिमाग धड़कता है? समटाइम्स यस yes. कैसे दिमाग कैसे धड़क सकता है? यू नो दिमाग अपने एक दिल होता है. मतलब दिल का भी दिमाग होता है? ऑब्वियसली. बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता. मैंने भी डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की. नहीं नहीं मैंने देखा. देखो जो दिल होता है ना और जो दिमाग होता है दोनों में आपस में बड़ा अच्छा कनेक्शन है. आप देखिए कि आप एक दिल और दिमाग दोनों निकाल दीजिए तो इंसान 6-7 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता. मैं ये सुनी सुनाई नहीं बात बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद करके देखा पेशेंट्स के ऊपर. अच्छा बात दिल और दिमाग की चल रही है. ये बम्पर, ये ना दिल से सोचती ना दिमाग से. ये कैसे नहीं सोचती, ये सिर्फ पेट से सोचती है. 8 किलो चावल कहाँ से मिलेंगे खाने को, 25 रोटियाँ कौन सी सब्जी के साथ खानी है. मैं कहता हूँ ये 2 दिन भूख हड़ताल में बैठ जाए, देश में अनाज की जो कमी है पूरी हो जाए. ऑब्वियसली ऑब्वियसली. देखिए यहाँ पर खाना खाने की बात हो रही है, लेकिन खाना खाने के अलावा एक और चीज़ होती है, वो होती है मार खाना. हाँ जी. ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कोई हादसा ना हो? मैं खाता ही नहीं मार, मैं वेजिटेरियन हूँ. मानना पड़ेगा आपने कमाल की बात की है. आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहूंगी मैं. मैंने दरख्वास्त मत किया, अगर थूक उड़ के तुम्हारा पूरा इधर उधर फैल जाता है. अच्छा मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ. मेरा रणबीर साहब आप एक मैसेज देना करण जौहर साहब को. उनकी फिल्मों मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ. उनकी फिल्म आई कुछ कुछ होता है. मैं गया फिल्म देखने, फिल्म बड़ी अच्छी थी लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं. थोड़े दिन बाद मैंने मर्डर देखी, उसमें मर्डर तो हुआ ही हुआ और बड़ा कुछ हुआ. मेरे को बड़ा मजा आया. मैं उनको बोलना है कि ऐसा मेरे को कंफ्यूज ना किया करे. मर्डर वही फिल्म है जिसमें वो गाना था. बेटे मैं ये क्या कर रही है, गाना बंद करो ये. चुपचाप उधर जाके बैठो, मैंने तुम्हारे जूड़े में आग लगा देनी. मैं कह रहा हूँ फिर वो दिल्ली में बैंड बाजा वाले के साथ नहीं जाते, लाइटें पकड़ के वैसे दिखोगे अभी वैसे दिख रही. रणबीर कपूर को ऐसे दूसरे के टीवी में कौन घुसता है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है. Shut up. मेरा भी मन कर रहा था अनुष्का जी के साथ करने के लिए, मैंने रोका अपने आप को. दूसरे के टीवी में ये डिबेट गलत दिशा में जा रही है. आप प्लीज बैठ जाइए. मैंने तेरे मौका मार देना. तेरे मौका मार के क्या होगा? आप आपको शर्म नहीं आती? आती है पर मैं करता नहीं. बदतमीज. इस मोहल्ले में मैं ना हूँ पता नहीं क्या हो इस मोहल्ले का. मोहल्ले में शांति हो जाए. तू तो चाहता ही मैं जाऊँ, तू शांति को अंदर ले जाए. 9820003648 call me. Okay. चल क्या बिल्कुल मैं इस बात पे एक
चेज कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल फालतू सिंगर है बट आई कैन सिंग बेटर एज अ डॉक्टर मैंने एक पेशेंट के आगे एक बार एक गाना गाया बेहोश हुआ पड़ा था गाना सुनते ही उसमें ऊर्जा आ गई ऊर्जा आई तो फिर उसने मेरे को मुक्का मारा मेरा पुर्जा पुर्जा हिल गया बट इम्पैक्ट वॉज नाइस इफ यू सी सिंगर ये क्या हो रहा है भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे ये क्या पहाड़ी में हो शायद बर्फ गिर रही है यस आपके इलाके में बर्फ गिर रही है ओह गॉड हेलो डॉक्टर मैं काम कर रहा हूँ मैं आपके इलाके में आ जाऊँ नहीं 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 मेरे नाक में जा रही है क्योंकि बर्फ मैं कब से देख रहा हूँ तेरे को मेरे इलाके में तो बर्फ पात कर रही है अपने इलाके में रहो हेलो डॉक्टर गुलाटी बढ़िया ही मौसम विभाग से डॉक्टर गुलाटी हेलो सिग्नल नहीं आ रहा है यहाँ पे बर्फ है ना हमारा संपर्क लग लग ओहो आई एम सो सॉरी मुझे बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर गुलाटी के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है नहीं नहीं संपर्क चल रहा क्यों टूट गया नहीं टूट चुका है अरे चल रहा है संपर्क अरे कह दिया ना टूट चुका है मैं कह रहा हूँ संपर्क चल हेलो हेलो अरे 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 तेरे को शर्म नहीं आती तेरे को मेरा संपर्क टूट गया मेरे को बेइज्जती करने के लिए बुलाया एक डॉक्टर की बेइज्जती But yeah, I will take your leave because these are very badminton people and my deal is very, very clean, Dr. Mr. Gulati, and I'll see you later. You know. I don't care, man. You just continue. चलिए हम भैंस को आगे बढ़ाते हैं तो रणबीर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी अब तक शादी नहीं हुई है आपको किसने रोका है दिल ने या दिमाग ने एक्सक्यूज मी ये मेरा क्वेश्चन है मैं भी सिंगल हूँ ये भी सिंगल है क्यों नहीं शादी कर रहे आप मुझसे अभी तक बताइए क्या रोक रहा है आपको देखो बेटे मैं कहता हूँ शादी वादी छोड़ो पहले अपने जूड़े को हॉस्टल में डालो ये बहुत खराब है सिद्धू साहब ऐसी लड़कियाँ होती हैं अपनी शादी वाले दिन फूल वाले के साथ भाग जाती है मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ ये बात है तकरीबन सन 1990 एक मिनट मेरी बात सुनो पहले मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए पहले ये बात है सन 1995 की हाँ पांच साल बाद की है हाँ. रोहिणी में एक दिल्ली शादी हो रही थी हाँ. मेरे दोस्त की शादी हाँ. उसकी दुल्हन घोड़ी वाले के साथ भाग गई अच्छा ये क्या बात हुई ये तो आप अपनी कहानी सुना रहे हैं वो घोड़े वाले आप ही तो थे हाँ तो दुल्हन उसकी थी किस्सा उसका हो गया था फिर आप कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे दिल और दिमाग हाँ जी दिल और दिमाग के बारे में क्या आप मेरा तो ये मेरा तो ये मानना है कि दिल सोचता नहीं है दिमाग सोचता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल सोचता है दिल धड़कता है दिल से सांस आती है दिल से खून निकलता है दिल से कौन सी सांस आती है दिल से नहीं आती दिल से कहाँ से खून निकलता है दिल से हाँ दिल लंग किडनी एक ही बात है लेकिन दिमाग दिमाग जो है वो धड़कता नहीं है और दिल सोचता नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाब के लिए ये है बेटे इसी बात में मैं बात करना चाहूंगा जी। मुझे आपका चश्मा बिल्कुल नहीं पसंद आया बिल्कुल पसंद नहीं आया व्हाट इज दिस मैं उधर बैठा हुआ वैसे ही देख रही हूँ इसको ऐसी है चलिए अब हम हमारी भैंस को आगे बढ़ाते हैं हमने सुना है कि आपकी जो फिल्म है वो एक लव ट्रायंगल है तो हमें बताइए कि ये प्यार ट्रायंगल क्यों होता है सर्कल ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है लेकिन मैं एक बात कहने जाऊंगा ये चीजें इसके सवाल में बहुत दम है अच्छा? ऐ दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर दो लड़कियों से प्यार करता है रियल लाइफ में ऐसा हमें महसूस करने को क्यों नहीं मिलता मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा नहीं 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 ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है ये आपको महसूस करने को मिल सकता है आप अभी देखेंगे यहाँ पर हमारे शो में लाइव रणबीर दो दो लड़कियों के साथ रोमांस फरमाएंगे आ जाइए आप दोनों जरा आगे आ जाइए आइए आइए यस यस छोड़ 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 मैं तुझे छोड़ूंगी बहुत हुआ छोड़ छोड़ अरे बट बात नहीं है आइए एक सेल्फी लेते हैं बहुत अच्छी लग रही है आ कम 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 एक बार रणबीर अनुष्का के लिए जोरदार तालियां यू वांट फोन आ जाओ oh,
वेलकम. मैं कुछ कहना चाहती हूँ. जी. हैप्पी बर्थडे टू यू. दैट्स वेरी एम्बैरेसिंग. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.